सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देख रहे हैं ट्रेलर, ऑफिशियल ट्रेलर OMG 2, ओ माई गॉड 2 का, जो कि आप सबको पता ही होगा अभी तक कि OMG जो बहुत ही हिट गई थी, जो कि पहले आई थी अक्षय कुमार की, जिसमें अक्षय कुमार एज अ कृष्ण जी उन्होंने प्ले किया था कि वो धरती पे आते हैं, हेल्प करते हैं और ब्लास्ट में जो सब होते हैं उनको पता लगता है कि हाँ कृष्ण जी थे। तो वापिस से सेकेंड जो है पार्ट उस मूवी का आ चुका है। अब इस मूवी में जैसा दिख रहा है पोस्टर्स में, जो शिवजी का जो है उन्होंने रोल प्ले किया है, बट ट्रेलर देख के पता लगेगा कि स्टोरी लाइन क्या है, किस टाइप की मूवी होने वाली है, जो भी है ठीक है मूवी में वो किस टाइप का है, सब कौन कौन है एक्टर्स, पुराने एक्टर्स कौन कौन है, नए कौन कौन है। अक्षय कुमार तो है ही, जो कि सबको ऑलरेडी पता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं कि ये ट्रेलर कैसा होने वाला है OMG 2 का ऑफिशियल ट्रेलर, अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गुप्ता। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो, देखते हैं कि कैसा है ट्रेलर, लेट्स गो। ओ यस, जैसा कि मेरे को लगा था, जो शिव जी का जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार, एंड देखते हैं। नीचे नंदी बैल भी है और पूरा ऐसे सोलर सिस्टम दिखाया हुआ है, सोलर सिस्टम के अंदर जो कि वो बैठे हैं, सोलर सिस्टम पूरा है और एकदम सामने, मतलब ऐसे दिखाया गया है ग्राफिक्स के थ्रू कि वो बैठे हुए हैं शिव जी। नंदी, मेरे भक्त पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, मेरे शिवगण में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके। ओके, सो वो अपनी नंदी बैल से बात कर रहे हैं कि मेरे किसी भक्त पे जो है बहुत ही ज़्यादा विपदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ, बहुत ही ज़्यादा हाँ मतलब कठिनाइयाँ आने वाली हैं और उसकी हेल्प करो जाके। वो अपनी नंदी बैल से बात कर रहे हैं। कांति सरन मुद्गल वर्सेस कांति सरन सिर्फ गलत लिखो है, ये आरोपी फिरियादी एक ही आदमी है। एप्लीकेंट कौन है और डिफेंडेंट कौन है, क्या हो रहा है? मतलब खुद ने ही खुद पे केस कर दिया, ऐसा दिखाया है इसमें कुछ। लास्ट जो था पार्ट उसमें था कि वो भगवान पे केस कर देता है कि ये जो है प्राकृतिक आपदा आई है और उसमें मेरा इतना नुकसान हुआ है तो भगवान इसका पे करेंगे। इसमें इसने खुद पे ही केस कर दिया है, इंटरेस्टिंग तो होने वाली है। एप्लीकेंट कौन है और डिफेंडेंट कौन है, क्या हो रहा है? खुद पे ही केस कर दिया। आपसे तो अच्छे संस्कार की उम्मीद रख ही सकते हैं ना कांति जी, अब आपका छोरा यहाँ नहीं पढ़ सकता। लोगों के हाथ पैर जोड़ी जोड़ी के तुम्हारा एडमिशन करवायो, वही कर ही लिया है तुम। बच्चे गिल्ट में मर जाते हैं। वो सुसाइड करने चला गया, मतलब कुछ सीन हुआ है स्कूल में, इन्होंने पूरा नहीं दिखाया, सस्पेंस रखा है। ऑब्वियसली ट्रेलर है, पूरी मूवी नहीं है, कुछ तो सस्पेंस रखेंगे ताकि लोग देखें जाके इंटरेस्ट के साथ थिएटर्स में। सो इसलिए कुछ तो सस्पेंस रखा गया है कि क्या हुआ है स्कूल में ऐसा कि वो लड़का सुसाइड करने चला गया और इतना सब सुनना पड़ रहा है उसके फादर को। ये अब आपका छोरा यहाँ नहीं पढ़ सकता। लोगों के हाथ पैर जोड़ी जोड़ी के तुम्हारा एडमिशन करवायो, वही कर ही लिया है तुम। बच्चे गिल्ट में मर जाते हैं। मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज, अब आप ही आके राह दिखाओ, विवेक की रक्षा करो। अक्षय कुमार, मुझे सोच कर भी शर्म आ रही है, आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? कहीं 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 गलत करते हुए पाए गए। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आप खड़े होके आपत्ति है बोलिए। खड़े होके और खड़े हो तो नहीं, जब खड़े हैं तो खड़े ही हैं, खड़े होके ऑब्जेक्शन बोलिए। मिलता है खड़े होके ऑब्जेक्शन मिलोट बोलिए, मतलब खड़े ही हैं तो खड़े ही हैं तो खड़े होके और खड़े हो तो नहीं, जब खड़े हैं तो खड़े ही हैं, खड़े होके ऑब्जेक्शन बोलिए। खड़े खड़े आपत्ति है महाराज। जिस सनातन धर्म के चार स्तंभ है उन्हें आप अश्लील कह रही हैं। आप मुझे सारी दुनिया के सामने क्यों नंगा खरीद रहे हो? कि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज।
महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना। तो इन दैट केस आपको एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना, स्कूल पर नहीं। आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया चालक की गलती से। आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पे केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर? तुम भी रखो विश्वास, क्योंकि तुम हो शिव के दास, नहीं शिव के पास। मुंह देखा, पूरा सस्पेंस से भरी हुई मूवी, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है कि वो लड़के ने किया क्या है। ठीक है, जैसे हमने गदर टू का ट्रेलर मैंने ऑलरेडी देख लिया था, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फिर हमको रियल लड़ना है। ठीक है, रियल रिएक्शंस। सो उसका रियल रिएक्शन नहीं आता ना, रिव्यू आता, सो पहले देख लिया था, सो मतलब नहीं है बताने का। उस ट्रेलर में सब कुछ बता दिया ऑलरेडी, ट्रेलर और गाने अगर तुम ध्यान से देख लो तो पता चल जाएगा कि स्टोरी क्या है। वो सकीना जो है वो मर चुकी है, उसको दफना दिया गया है, और वो सनी देओल और उसका लड़का दोनों जाते हैं पाकिस्तान बदला लेने। दैट्स द स्टोरी। नहीं हुई अभी तक रिलीज़, या हो गई है? नहीं हुई है शायद, पर हमको पता है, सबको गाने और ट्रेलर देख के सबको पता लग चुका है। ऐसे नहीं कटिंग करी जाती ट्रेलर की, ऐसा होता है कि सस्पेंस है हमको, हाँ कुछ तो है कि हमको जाके देखना है। मुझे भी उड़ के आएगा ना अक्षय, ये क्या प्रकार है भाई ये? कचोरी। चलो चलता हूँ जी। ओ भाई पैसे दो। आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। ग्यारह अगस्त को जो है रिलीज हो रही है इन थिएटर्स। बहुत ही अच्छी मूवी रहने वाली है, पक्का फॉर श्योर। बहुत सस्पेंस है इसमें। सबसे बड़ी चीज़ तो सस्पेंस वाली ये है कि वो लड़के ने किया क्या है ऐसा कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया और सब उसके पीछे पड़ गए। और कुछ नहीं, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा जो है, जितना ट्रेलर में देखा हमने, बहुत अच्छा यूज़ करा गया है। सीन्स है बहुत अच्छे हैं, जो अक्षय कुमार वो बीच में उड़ के आया भाई, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था सीन। सो एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए, पूरी स्टोरी देखने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सस्पेंस है जो कि ट्रेलर में से थोड़ा थोड़ा ऐसे आग लगा दिए और बताने को बताया नहीं, बता देते तो। सीखो कुछ गदर वालों से, गदर टू वालों से कुछ सीखो, ऐसे सब बता दिया कि देखना है, देखो बात नहीं, हमने स्टोरी बता दी तुमको ऑलरेडी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। सो सब्सक्राइब करके जाना एंड लाइक द वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और क्या आपको भी गदर 2 का ट्रेलर और सॉन्ग्स देख के ऐसा ही लगा जो कि मुझे लग रहा है कि पूरी स्टोरी बता दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।